वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे वन जीव अभयारण्य से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रणथंभौर वन जीव अभयारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान में बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो यह घोषित किया है कच्छ की खाड़ी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गड्ढे यानी बोला जाता है निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है कच्छ का रण क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो यह डम्पा अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन पशु विहार जो है केरल राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो सरिस्का है राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव की बात कही जा रही है, तो यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस जो है यह असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, नामधापा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामधापा वन जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है मन्नार की खाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया, कांजीरंगा गेंडा के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है यह गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यहाँ चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो कान्हा किसली, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, परंतु किबुल लामजाओ ये
प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, यह स्पेशली हिरन के लिए जाना जाता है और यह मणिपुर में है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा, यही यहाँ पे गलत है, क्योंकि बुक्सा यह पश्चिम बंगाल में है, दम्पा मिजोरम में है, नामेरी असम में है, नामधापा अरुणाचल प्रदेश में है, परंतु बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ सुमेलित है की बात कही जा रही है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, यह जबलपुर में नहीं है, यह एमपी के भोपाल में है, ये आपको याद रखना है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मनाली में नहीं है, यह जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद रखना है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भरतपुर में है, ये आपको याद रखना है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है यह बनारघट्टा जैविक उद्यान बंगलौर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजनाओं के साथ नहीं बैठता है? तो नहीं बैठता है ये बोला गया है, तो सरिस्का जो है यह अलवर में है, ये सही है। और वाल्मीकि जो है यह हजारीबाग में ना है, यह बिहार में है, ये आपको याद रखना है। पेंच नागपुर में है और नागा जो सागर श्रीशैलम में है, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि, जो कि बिहार में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडे काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पलवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैसे विविधता को बढ़ावा देता है? तो वह है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। हमारा अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है इंदिरा गांधी वन जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है की बात कही जा रही है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, परंतु पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगल के लिए नहीं, यह मुख्यतः सरीसृपों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ये केरल में है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है की बात कही जा रही है। तो कांजीरंगा जो है एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, दांची गांव जो है यह हाथी के लिए नहीं, यह हिरन के लिए फेमस है, कश्मीरी हिरन के लिए, गिर एशियाई शेर के लिए, केवला देव साइबेरियन साइरस के लिए। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, दांची गांव वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान
किबुल उद्यान लामजाओ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हाथी जो है यह पाया जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है नागार्जुन। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल बूड फॉसिल पार्क स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है जैसलमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है तेंदुआ, ये आपको याद रखना है, और कश्मीरी हिरन भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, डाम्पा वन जीव अभयारण्य स्थित है? तो यह स्थित है मिजोरम में। हमारा अगला प्रश्न है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किस लिए किसका आवास है? तो एशियाई हाथियों के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कांजीरंगा। हमारा अगला प्रश्न है, मद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, खंग चंद जिंदा राष्ट्र उद्यान स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? यह मांडला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, तो यह है बायोस्फीयर रिजर्व। हमारा अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, तो वह स्थित है गुड़गांव में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।